दंपति रहा करते थे। नाम था आत्माराम जी महाराज, सरयू पारी ब्राह्मण, और ऐसा ब्राह्मण उनकी पत्नी का नाम था भूलसी। क्या नाम था? अब सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? आत्माराम दुबे की पत्नी का क्या नाम था? बोलो बोलो। नहीं पता? अभी बताया मैं, अभी तुरंत बताया था। भूलसी। ये ब्राह्मण पत्नी गर्भवती, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण। समय बीतने लगा और युग बीतता चला गया। मां का गर्भ बढ़ने लगा। भूलसी गर्भवती तो है, लेकिन उनके गर्भ की विशेषता है, एक स्त्री किसी भी बालक को अधिक से अधिक 8 महीने या 9 महीने तक रखती है, अधिक से अधिक वो 10 महीना भी पार कर ले। पर कोई स्त्री 10 महीना से ज्यादा बच्चे को अपने गर्भ में नहीं रखती। ये प्रमाण 8 महीने में हो जाता है, कभी कभी तो 7 महीने भी हो जाते हैं। प्रसव तो है, 7 महीने में जनना हो जाता है, 8 महीने में होता है, और 9 महीना तो होता ही है। माँ के गर्भ में बालक 9 माह तक रहता ही रहता है। चलो कोई बृहद रूप में होगा तो 10 महीना लग जाता है, लेकिन पता है आत्माराम दुबे की पत्नी फुलसी, उनका जो गर्भ था ना 12 महीने तक का था। कितने? यानी एक वर्ष तक, वर्ष पर्यंत 12 महीने का गर्भ है और गर्भ बढ़ने लगा। समय बीता, कुछ ऐसा समय आया है, एक घड़ी आई, एक नक्षत्र आया है, विलक्षण नक्षत्र जिनको कहते हैं मूल नक्षत्र, बड़ा बड़ा। इस पर बहुत चर्चाएं होती हैं। ये ज्योतिष की विषय है। दास ने अपने पिताजी महाराज के सानिध्य में कुछ तो ज्योतिष सीखा है, किंतु ये ज्योतिष बताने का समय नहीं है भैया मेरा, नहीं तो सब भीड़ बढ़ जाएगी। आज विश्राम गृह में फिर वर्मा जी के घर पहुंच जाएंगे। अरे महाराज जी को ज्योतिष आते हैं? नहीं 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 आता, कुछ नहीं आता मुझे, मुझे राम कथा नहीं आता, तो ज्योतिष कहां से आएगा? मैं आप सच कह रहा हूं, आप लोगों के आग्रह कारण बैठ गया, राम कथा नहीं आती मुझे। वो तो आप लोगों ने प्रेम से मुझे बिठा दिया, तो आपके आदर को मैंने स्वीकार कर लिया। भैया लोग गए थे मोखला नारियल देने के लिए कि आचार्य जी आपसे राम कथा सुननी, तो मैंने तब भी कह दिया था भैया एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि मुझे राम कथा नहीं आती। अरे मुझे क्या, कोई कोई इतने बड़े महान ग्रंथ को कोई भला कर पाए? हम होते ही कौन हैं जो राम कथा गा सकेंगे? याद रखना, अपने तरफ से जोड़ा नहीं है, अपने तरफ से जोड़ा नहीं है कुछ, क्योंकि बाबा तुलसी ने और वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। बाबा तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। अरे बाबा तुलसी और वाल्मीकि छोड़े तब ना हम उसको लिख, वो तो तुलसी और वाल्मीकि ने पूरा कर दिया है, हम होते ही कौन है इसको गा सकेंगे? सारे सारे तुलसी कहे, शब्दों में ध्यान देना। सारे सारे तुलसी कहे और सूर्य कहे अनूठा। सार सार को तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो सार सार था ना उसकी लेखनी तुलसीदास ने लिख दी। फिर बारी आई सूरदास की, तो सूरदास ने भी कुछ लिखा तो अनूठा लिखा उसने। आंखें नहीं है फिर भी सूर लिख रहा है, अनूठा लिखा है। तो मुझे वो भाव याद आ रहा है कि सारे सारे तुलसी लिखे,
और सूर्य लिखे अनूठा बची खुची कबीरा लिखे। मेरे शब्दों में बहुत ध्यान दीजिए, सार सार को तुलसी ने लिखा और जब बारी आई सूरदास को लिखने की तो सूरदास ने अनूठे ढंग से लिख दिया और बारी फिर कबीरदास की आई तो कबीरदास की बची खुची तो कबीरा लिख गए। फिर बाकी हुआ क्या महाराज, तो पूरा सुनो। सारे सारे तुलसी कहे सूर्य कहे जो अनूठा बची खुची कबीरा कहे अब के कहे सब झूठा। मतलब सार सार तुलसी कहे सूर कहे जो अनूठा बची खुची कबीरा कहे और अब के कहे सब झूठा। तीन कवि हैं, सूर तुलसी और कबीर। अब इसके बाद कुछ बचा हो ना तो हम लोग कहेंगे पर इसने छोड़ा ही क्या है जो हम लोग कह पाएंगे। फिर भी मर्यादा के लिए अब सब ने मुझे आसन दिया इसलिए मैं अपने आसन का निर्वहन करूंगा जिस प्यास पर मुझे बिठा दिया गया है राम कथा गाने के लिए। वैसे मैं कथावाचक नहीं हूं भैया, मैं सच बताता कभी ना हो नहीं चतुर कहा वो मति अनुसार राम गुण गावो। मैं कोई कवि नहीं, कोई चतुर लेखक भी नहीं हूं, बस मति अनुसार जो कृपा मेरे भगवान की होगी और जो हनुमान जी मुझ पर कृपा करेंगे बस वैसे ही मैं आप सब बीच राम कथा अपनी तोतली भाषा में सुनाने का प्रयास करूंगा। ये मत सोच रहा कोई बहुत बड़ा वक्ता बैठा है, नहीं नहीं आपके बीच आपका बालक बैठे हैं, ये सोचकर के आनंद लेना अपने बीच का कथावाचक है। कोई मैं वृंदावन से नहीं पहुंचा हूं, हां हां आई एम नॉट वीआईपी, मैं कोई वीआईपी नहीं हूं, मैं स्थानीय और मुझे ज्यादा आता नहीं, जो आता है सुना हूं उसको सुनाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं। ठीक है, ये मत सोचना मेरे पास खजाना होगा। हां खजाना तो है मेरे पास, राम नाम का धन है, इससे बड़ा और क्या खजाना चाहिए लोगों को, बोलो। लेकिन जो संतों से मैंने सुना है मैं वही आप सबको सुनाने जा रहा हूं, मेरे पास इसका कुछ ज्ञान नहीं है। पर मैं कह रहा था मेरा तुलसी एक ऐसा है जो मूल नक्षत्र में जन्म लेता है। बालक का जन्म हुआ मूल नक्षत्र में और उनका शरीर 5 साल की बच्ची की तरह बहुत बड़ा, बहुत भारी शरीर का था। तुलसी के जीवन को जीना पड़ेगा। रामायण को सुनो, मानस को सुनो, उसके पहले तुलसी को जानो, लेखक के बारे में पहले जानो जिसने लिखा है। तुलसी जब जन्म लिया ना तब मूल नक्षत्र में जन्म लेता है, बड़ा मूल है। पिता तो ऐसे ही ब्रह्मणा ब्रह्मवित्तमा, तो आत्मा थोड़ा अनिष्टकारी लगा ये बालक। आत्मदेव को थोड़ा संशय लगता है और पता नहीं क्यों कभी कभी व्यक्ति का संशय सच में बदल जाता है। आत्मदेव को अनिष्ट हुआ, ये शंका हुई, बालक बड़ा मूल में जन्म ले रहा है, लगता है कोई अनिष्ट हो सकता है।